बेकाबू डंपर ने चार वाहनों को रौंदा, ट्यूशन जा रही छात्रा की मौत। खबर संभल से है, जहां एक बेकाबू डंपर ने चार वाहनों को रौंद डाला, जिसमें जिले के चंदौसी में बाईपास रोड तहसील तिराहे पर तेज गति से आ रहे डंपर ने धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली, दो ई रिक्शा, एक साइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं ई रिक्शा चालक और डंपर चालक घायल हो गए, जिससे गुस्साई भीड़ ने डंपर चालक को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल भीड़ से डंपर चालक को बचाया और सभी घायलों व डंपर चालक को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना शनिवार सुबह 6 बजे करीब की है, जहाँ संभल के चंदौसी में बदायूं बाईपास रोड पर बजरफुट से भरा डंपर जा रहा था। तहसील तिराहे पर अनियंत्रित डंपर ने धान से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। अनियंत्रित डंपर चौराहे पर खड़ा ई रिक्शा चालक तहसील की ओर से आ रही साइकिल सवार छात्रा को रौंद दिया। पीछे से आ रही दूसरी ई रिक्शा ट्रॉली के नीचे आने से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में डंपर के नीचे आने से 16 वर्षीय छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने क्रेन के माध्यम से छात्रा के शव को डंपर के नीचे से निकलवाया। हादसे में ई रिक्शा चालक गुड्डू, डंपर चालक मामूली रूप से घायल हो गए हैं। वहीं हादसे में ट्रैक्टर पर सवार चालक, किसान व ई रिक्शा चालक बाल बाल बचे। शव उठाने को लेकर भीड़ व पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई। हादसे के बाद तहसील रोड पर जाम जैसी स्थिति हो गई, जिससे आसपास के थानों से पुलिस फोर्स बुलाकर पुलिस ने हालात पर काबू पाया और करीब 2.5 घंटे बाद क्रेन के माध्यम से ट्रैक्टर ट्रॉली व डंपर को हटवाया गया। तब कहीं जाकर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो सकी। सुबह करीब 6:30 बजे के लगभग एक 22 चक्के की ट्रक, जो कि बदायूं की तरफ जा रही थी, लीक होने के कारण वो तहसील किराए पे एक ई रिक्शा को उसने टक्कर मारा और उसके बाद एक जारई की तरफ से आ रही थी ट्रैक्टर, वो भी उसके चपेट में आया और एक लड़की जो 16 साल की थी, ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, उस ट्रक के चपेट में आ गई। लड़की की दर्दनाक मौत हो गई, तत्काल हो गई। भीड़ ने ड्राइवर को पकड़ लिया, तब तक तत्काल फिर पुलिस सूचना मिली, पुलिस पहुँची है, ड्राइवर को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गई है। गाड़ी को हटवा के जो मृतका की मृतका है उसको हॉस्पिटल पहुँचवा दिया गया है। अब आगे उसकी विधिक कार्रवाई की है। सर, ड्राइवर को पिटा गया है पब्लिक द्वारा? ये सूचना मिली है, लेकिन इस समय वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्सीडेंट हुआ, उसको भी चोट लगी है, वो इस समय हॉस्पिटल में।